डैड, अश्विन कहाँ है? वो बाहर गया है। मीटिंग में क्या हुआ था? दीपू, वो भूपेन भाई की ऑफिस में। मनीष भाई, डोंट माइंड, टेंडर रिगिंग के साथ इनका नाम जुड़ा हुआ है, एंड यू नो दैट इन्हें इतनी कॉन्फिडेंशियल मीटिंग में मैं साथ नहीं रख सकता। मैंने भी उन्हें मना कर दिया। इस समय अश्विन का कॉन्फिडेंस वापस लाना ज्यादा जरूरी है। मुझे पता था रे कि आप ना ही बोलोगे, पर अश्विन मानने के लिए तैयार ही नहीं था। इतने गुस्से में था वो, उसका सारा कॉन्फिडेंस शैटर हो गया। मुझसे लड़कर पता नहीं कहां चला गया वो। ये लड़का भी ना। दीपू बेटा, फोन करो जरूर से। भास्कर? हाँ भास्कर, या प्लीज कम बाय। भास्कर अश्विन को लेकर घर पे आ रहा है। मैं चाय बोलती हूँ। इतना ऑकवर्ड होने की जरूरत नहीं है। तूने अपनी साइड चुनी, मैंने अपनी, बस अब उस तरफ वफादारी निभा। दोनों नाव पे सवार होने की कोशिश करेगी तो कहीं की नहीं रहेगी। और मैं गुस्सा नहीं हूं, बस थोड़ा अपसेट हूं। तूने मुझे इतना नकारा समझा कि मैं पापा को सीढ़ी से धक्का दे सकता हूं? इट रियली हर्ट बन्नो। अश्विन, मैंने सिंपैथी नहीं चाहिए मुझे। मैंने मना किया था आपका, मुझे वहां लेकर मत जाइए, प्रॉब्लम होगा। अच्छा हुआ मैं खुद वहां से निकल गया। मेरी वजह से अपना रिलेशन और बिजनेस क्यों खराब करेंगे आप? पर मैंने कर दिए अश्विन, मैंने रिलेशन को चुना। क्या लेकिन आप वापस अंदर गए थे तो आई थॉट। मैं उन्हें अल्टीमेटम देने गया था कि उनका काम तभी करूंगा जब अश्विन मेरे साथ होगा, वरना नहीं। आस्क बिफोर यू अज्यूम बेटा। तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारे सामने खड़े हैं जबकि हम तुम्हारे साथ हैं। इट्स नॉट यू अगेंस्ट द वर्ल्ड अश्विन, अस अगेंस्ट द अदर्स। बेटा हम सब तुम्हारे साथ ही है। भास्कर, तुम अश्विन से कहाँ मिले? मैं इसको घर ड्रॉप करने गया था। ये यहाँ कैसे? ये यहाँ क्यों है? छोड़, तू यहाँ क्या कर रहा है? तू तो घर छोड़कर चला गया था। डियर चिराग, तुसी सुशी, ए सुशी। हाँ, काढ़ा बना जरा स्ट्रॉन्ग। हाँ प्रार्थना, पापा के लिए जरा काढ़ा बना। हेलो, हाँ बोल रहे पुष्पा। सुशीला, प्रार्थना कैसी है? कोई संबंध नहीं रखेगी इस पुष्पा से, दोस्ती का भी नहीं, समझी? घर का भेदी लंका ढाए। क्यों फोन करती है वो तुझे? उन सब के कारण बापूद्र की कॉरपोरेटर की कुर्सी छिन गई आज। वैसे कम था क्या? अश्विन स्कैमस्टर निकला, उगली पटेल वापस आ गया। मौका मिलते ही सबको, पूरी फैमिली को चाल से मारने फिकवा दिया ना,
तो बापूतरा नाम नहीं बापूतरा का। बस एक बार कोई मुद्दा मिल जाए उतनी देर है। अगर इनको पता चला कि मैंने कहने दिए है पुष्पा को, तो मौका कारण बहाना सब एक साथ मिल जाएगा। पटेल जैसा क्रिमिनल आपकी चौल में रहता है और वो आपका समझी भी है। ये सब हमारी पार्टी की इमेज के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है और ऐसे में कॉर्पोरेटर के कैंडिडेट के लिए आपको खड़ा करना मतलब अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। तू अचानक इतना प्यार किधर से उमड़ा है? जिम्मेदारी है मेरी। और तू क्या कर रहा है बापूतरा? मरे हुए को मारने जा रहा था, शर्म नहीं आती? बड़ी फिक्र हो रही तुझे इसकी है? मेरे घर पर जो भी है वो मेरी जिम्मेदारी है, फिर चाहे वो प्रार्थना हो या फिर ये। पर मेरी छोड़, तू मुझे ये बता कि ऐसे मेरे घर में आकर बेड से इस पर वार करके तू क्या साबित करना चाहता है? तू भले भूल गई हो लेकिन बापूतरा नहीं भूला। बहुत नुकसान किया इस नराधम ने बापूतरा का। अपने पैरों पे खड़ा था तब भी और आज इस व्हीलचेयर में बैठा है तब भी। बापूतरा के जीवन की सबसे बड़ी पनौती नस्तर है। इस समय चला जा यहां से, चला जा वरना मैं भूल जाऊंगी कि तू चिराग का ससुर है और मेरी बहू प्रार्थना का पिता। वो तो तू भूल ही जा क्योंकि बापूतरा तो भूल चुका है। बापूतरा के जीवन का एक ही मिशन है तुम सबको इस चाल से रवाना करना। बस एक गलती और तू और तेरा परिवार यहां से बाहर। देवी जी नमस्ते। पुष्पा जी, वाह, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। बैठो। इतने दिनों बाद। आई होप एवरीथिंग इज वेल। सब वेल होता तो इतनी बड़ी वकील का टाइम खोटी नहीं करती मैं। बताइए क्या बात है? मेरी चाल का मालिक नरहरी बापूतरा। मेरी छोड़, बापूतरा के जीवन का एक ही मिशन है अब तुम सबको इस चाल से रवाना करना। बस एक गलती और तू और तेरा परिवार यहां से बाहर। तो समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। फौरन पुलिस स्टेशन जाके एनसी करवा दीजिए। एनसी? पुष्पा जी, एनसी इज लाइक अ रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर। या तो फिर हरासमेंट की कंप्लेन कर दीजिए, उसके बाद वो आपको तंग नहीं कर पाएंगे। मैडम नमस्ते। नमस्ते। मैं आरती, आपसे अपॉइंटमेंट ली थी, सेवा कर एनजीओ से आपका रेफरेंस मिला था। ओह यस यस। पुष्पा जी बैठे, मैं आती हूँ। आइए बैठे।
चिराग, ये तेरे घर पहुंच गए थे, दिलीप को बेड से मारने की कोशिश की इन्होंने, और इसी बात की वजह से राशि और प्रार्थना का झगड़ा हो गया है। अरे बाप रे, मुझे तो पता भी नहीं था और इतना सब कुछ हो गया। मुझसे तो पन्नू का पंगा था ही, अब राशि से भी झगड़ा हो गया। पन्नू क्या चाहती है पता नहीं। तेरे घर की सुख शांति चिराग, मुझे झूठा बोल के, हमें छोड़ के। हाँ, क्योंकि वही एक तरीका था उसके पास घर वापस लौटने का, ताकि उसका बाप तुम लोगों का खून पीना बंद करे। चिराग, उसे यकीन है तुझ पे कि तूने कुछ गलत नहीं किया, उसे भरोसा है तुझ पे। चिराग, दिल पे पत्थर रख के घर लौटी है वो तेरे कारण नहीं, तेरे लिए। रोती रहती है अकेले, उसे गलत मत समझना चिराग। प्रार्थना तुझसे आज भी बहुत प्यार करती है, चलती हूँ। कम कम दीपू, एवरीथिंग फाइन एट होम? दिलीप भाई को लेकर घर में कुछ टेंशन तो नहीं है ना? हर रोज वहां कोई ना कोई नया सीन क्रिएट होता रहता है डैड। अब अश्विन के लिए जॉब के बारे में कुछ बात करने वाले थे, क्या हुआ? मैंने मार्वल लाइफस्टाइल रियल्टी एंड कंस्ट्रक्शन के सीईओ नलीन नागपाल से बात की है। नलीन अंकल? यस आई नो हिम। बस रिकमेंडेशन हो गया है दीपू, अब अश्विन को मनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी। मैं मना लूंगी उसे डैड। हेलो। ए बंदरिया, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ खोटे सिक्के, तू कैसा है? मैं ठीक नहीं हूँ, गुस्सा हूँ तुझसे। मैं वहां से चला क्या आया, तू बातें छुपाने लगी मुझसे। अरे मैंने कौन सी बात छिपाई तुझसे? क्यों, ये बापोदरा जी बैठ लेकर दिलीप को घर पे मारने आए थे वो, और सुशीला भाभी को लौटाने के लिए तू पैसे जुटा रही है, कौन बताएगा ये सब? तूने जासूस बिठा रखे मेरे पीछे? तू शायद भूल गई, मेरा शागिर्द पकिया है वहां पर, घर की और काम की सारी खबरें पहुंचती है मुझ तक। ओहो, तो पक्का है तेरा जासूस? अच्छा लड़का है रे, तूने उसको काम पर रखकर बहुत पुण्य कमाया है, ये समाज सेवा नहीं है तो और क्या है? और तू जैसी है ना, तुझे ना कोई सोशल एक्टिविस्ट होना चाहिए था, जैसे तू ये पक्या को लाइन पे लेके आई है ना, वैसे ही अब ये बापोदरा जी का कुछ कर। आज बैट लेकर घर पे मारने आए, पता नहीं कल क्या करेंगे। बापोदरा को तो मैं देख लूंगी, उसकी टेंशन मत ले। तो पैसों का मामला मैं हैंडल कर लूंगा। कैसे? उसका तू टेंशन ना ले। जुगल, जुगल मेरी बात सुन, कुछ ऐसा वैसा मत कर बैठना पैसा इकट्ठा करने के चक्कर में। भरोसा रख, जय अम्बे। जय अम्बे। तू जैसी है ना, तुझे ना कोई सोशल एक्टिविस्ट होना चाहिए था। लगता है बहुत जल्द अब मुझे असिस्ट करेंगी। एक बात पूछूं? क्या? गुस्सा तो नहीं करेगी? पूछ। हम डैड की ट्रीटमेंट अगर किसी स्पेशलिस्ट से करवाए तो? बोलने से पहले सोचती भी है? कितने पैसे किधर से आएंगे हमारे पास? बात करती है। पता तो करते हैं कि कितने लगेंगे, उसके बाद डिसाइड करते हैं। चिरा को फोन लगा।
कहाँ पे तू? जल्दी आ, डैड गिर गए। किसने? कोई अनजान आदमी रास्ते में गिर जाता है, उसे भी तो उठाकर साइड में रखते हैं ना। ये मेरे लिए बिल्कुल वैसा ही है, टोटल अनजान। पहले तो नफरत भी करती थी इससे, पर अब तो मेरी नजरों में इतना ज्यादा गिर चुका है कि नफरत के काबिल भी नहीं रहा। चिराग, डॉक्टर को फोन कर दे, बता दे कि गिर गया था, आकर देख ले। डॉक्टर ने कहा कि डैड की इम्प्रूवमेंट हो रही है, ये कुछ दवाइयां लिख कर दी है। चिराग, कल ले आना बेटा। I'm Nalin Nagdev, CEO of Marvel Lifestyle Realty and Constructions. हाँ, जी, बोलिए। हमारी कंपनी में एक ओपनिंग है, जिसके लिए हम आपको कंसीडर कर रहे हैं। आप आज मिलने आ सकते हैं? हाँ, हाँ, हाँ सर, मैं आ जाऊँगा। ग्रेट, मैं आपको मैसेज करता हूँ। थैंक यू। इतनी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी के सीईओ का डायरेक्ट मैसेज आया मुझे? मैं सोच रही थी कि अगर हम अश्विन को बिना बताए उसके लिए जॉब ढूंढना शुरू करें तो। मैं कुछ करता हूँ, डोंट वरी। मैं भी यही सोच रही हूँ। सीईओ का कॉल करना इज अनयूजुअल। अश्विन एक अच्छा चांस है, लेट्स सी। एड्रेस भी आ गया। अब बस मुझसे पहले मेरी फ्रॉड इमेज ना पहुंच जाए। जो हुआ उसका सामना तो करना पड़ेगा ना अश्विन, ऐसे डर डर के जी नहीं सकते। माँ को ही देख लो, अपने ही घर में उस आदमी को झेल रही है। डबल स्टैंडर्ड है उसका, उनको झेल सकती मुझे नहीं। उनसे ज्यादा बुरा हूँ क्या मैं? तुम में और उनमें क्या फर्क है वो तो तुम ही सोचो। माँ उनसे इसलिए नाराज है क्योंकि वो कभी सुधर ही नहीं सकते, पर तुम सुधर सकते हो, बस कोशिश नहीं कर रहे हो, इसलिए माँ तुमसे नाराज है। माँ को अब भी उम्मीद है तुमसे। और लो तुम मम्मी की साइड। माँ भी तुम्हारी तरफ है अश्विन, वो तुम्हारा भला चाहती है इसलिए तुम्हें सजा दे रही है। उनसे लड़ने की बजाय तुम फिर से उनका दिल जीतने की कोशिश करो तो सब संभल जाएगा। तुम उनके फेवरेट हो, उनसे अपने आप को मत छीनो अश्विन। हाँ देवी जी, बोलिए। पुष्पा जी, मुझे आपसे एक काम था। वो क्या है ना कि मेरे असिस्टेंट को इमरजेंसी के कारण नागपुर जाना पड़ा, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि अगर आप यहाँ आकर मेरी कुछ मदद कर दें। कल जैसे आपने उनके लिए एप्लीकेशंस लिखी थी ना, आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड। बस वैसा ही काम है, आप आएंगी ना? आपको पता है पुष्पा जी, हमारे सिस्टम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? बेसिक लॉ बतौर एक सब्जेक्ट स्कूल्स में पढ़ाया ही नहीं जाता, और जब आपने लॉ पढ़ा ही नहीं है तब आपको आपके बेसिक हक के बारे में कैसे पता चलेगा?
मेरे हिसाब से बेसिक लॉ हर करिकुलम में होना चाहिए, तभी तो आप लोगों को आपके हक और आपकी जिम्मेदारियों का पता चलेगा। ये अवेयरनेस की ताकत कितनी बड़ी है मैं आपको बता भी नहीं सकती पुष्पा जी। हेलो पुष्पा जी। जी आप आएंगी ना? हाँ हाँ बिल्कुल मैं आती हूँ। थैंक यू सो मच पुष्पा जी, आपने मेरा बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया। ओ एंड बाय द वे ये पेड असाइनमेंट है, आपको इसके लिए टोकन मनी भी मिलेगा। पैसे की बात की क्या मैंने आपसे? आपने याद किया वही बहुत है। मिलते ओके। पुष्पा जी बहुत ही स्मार्ट शार्प इंटेलिजेंट और हिम्मत वाली लेडी है, हर किसी के लिए मदद करने के लिए तैयार रहती है। अगर हमने उन्हें सही ट्रेनिंग दी ना तो ये हमारे लिए बहुत काम आ सकती है। क्या हुआ एकदम? हम कितनी भी प्लानिंग क्यों ना कर ले काकू, होता वही है जो ऊपर वाला चाहता है। बैठे बैठे काम आया। बोलो देवी सिंह जी के ऑफिस गई थी ना कल, उनकी थोड़ी मदद की थी मैंने, तो उन्होंने आज मुझे फिर से बुलाया, बोला पैसे भी देंगी। लोग कानूनी पढ़ाई करने के पैसे देते हैं, मुझे वही सब सीखने के पैसे मिल रहे हैं। बोलो जुगल भाई, ये सब कुछ मिला के मुश्किल से 12 लाख रुपए होते हैं। और फावड़ी की सारी प्रॉपर्टी बेच दूं तो? फावड़ी गांव की प्रॉपर्टी का तो क्या आएगा, मुझे नहीं लगता 20 लाख से ज्यादा मिलेंगे। और ये सारी प्रॉपर्टी बेच देंगे तो आपका क्या? 20 और 12 32 मतलब और 8 लाख का जुगाड़ करना पड़ेगा। प्रॉपर्टी का अच्छा भाव दिलवाइए ना, मेरा काम हो जाएगा। जुगल भाई कैसा है, रुकेंगे तो प्रॉपर्टी का अच्छा दाम मिलेगा। और ये प्रॉपर्टी आपको अभी के अभी क्यों बेचनी है? कोई अपना मुसीबत में है, पैसों की जरूरत है। ठीक है 2-3 दिन रुके, मैं कुछ देखता हूं। अगर सामने वालों को आपकी मजबूरी का पता चल गया तो प्रॉपर्टी का भाव और गिरा देगा। समझता हूं, आप 2 दिन इंतजार कीजिए, मैं आपको कॉल करता हूं। चलता हूं। देख क्या रही है, टाइम पे जाएगी तभी तो टाइम पे वापस आएगी ना। जय अंबे मम्मी। मिस्टर पटेल प्लीज कम, प्लीज हैव अ सीट। मिस्टर पटेल सामने एक बोर्ड है, देखिए प्लीज। Honesty is the best policy. This is our motto in Marvel Lifestyle. अगर आप हमें ज्वाइन करते हैं तो हम ये अपेक्षा करेंगे कि आप भी इसी प्रिंसिपल को फॉलो करें।
एक मिडिल क्लास परिवार का सबसे बड़ा बेटा हूं। ऑनेस्टी बचपन से सीखी, मम्मी से, टीचर्स से, और अब अपनी पत्नी से। ऑनेस्टी को ही बेस्ट पॉलिसी लेकर चला हूं। तभी तो मिडिल क्लास का ही बन के रह गया। पैसा कमाने की इच्छा कैसे नहीं होती सर, मुझे भी थी, और ये मौका मुझे मिला टॉप प्राइम रियल्टी में। बॉस को इंप्रेस करने के लिए मैंने एक टेंडर का रेट निकलवाया, उसे हासिल किया। 20 लाख रुपए का इंसेंटिव मिला मुझे। लालच बढ़ी, आज 20 लाख मिले, कल को 40 लाख भी मिल सकते हैं। इस लालच में मैं अंधा हो गया सर। मेरा छोटा भाई द न्यू स्पॉट एजेंसी में टेंडर स्कैम्स पर स्टोरी कर रहा था। आप सोचिए हमारी परवरिश कितनी ईमानदार है कि उसी ने मेरा पर्दाफाश किया। देखते ही देखते मैं ब्लैकलिस्ट हो गया, इंडस्ट्री से भी और घर से भी। मेरी मम्मी और मेरी वाइफ ने भी मुझसे मुंह मोड़ लिया। आजकल ससुराल में रह रहा हूं, एक नई जॉब ढूंढ रहा हूं ताकि एक नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत कर सकूं। आप सब मेरा पास जानते हैं, फिर भी इस इंटरव्यू के लिए आप लोगों ने मुझे चुना, ये ताज्जुब की बात है मेरे लिए। मिस्टर अश्विन आप जा सकते हैं, हमें आपसे और कोई सवाल नहीं पूछना। थैंक यू फॉर योर टाइम सर। कल सुबह शार्प 10 बजे आप ऑफिस में रिपोर्ट करेंगे, जाने का टाइम फिक्स नहीं है, और फिलहाल आप पहले भी फंस चुके हैं तो आप चौकन्ने रहिएगा। टेंडर नहीं मिलता है तो इट्स ओके, लेकिन गलत तरीके से उसे हासिल नहीं करना है। गॉट इट? आप मुझे जॉब ऑफर कर रहे हैं? यस, यू आर हायर्ड। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मम्मी हम साईदीप ज्वेलर्स के पास क्यों जा रहे हो अभी? गहने तो पुष्पा को दे दिए हैं, कल के लिए कुछ चक्कर चलाना पड़ेगा ना। तो क्या नहीं लेंगे? हाँ, लेकिन नकली, अभी के लिए काम चल जाएगा। ठीक है। That's quite unusual, Naleen. Yeah. Yes, yes. देखो नलिन, उसे मैंने रेकमेंड किया था, ये बात अपने तक ही रखना प्लीज। हाँ, ओके, थैंक्स। क्या हुआ डार? उसका इंटरव्यू बहुत ही अच्छा गया, काफी इंप्रेस था नलिन उससे। उसने जिस तरह से सब कुछ सच सच बता दिया हिम्मत से, दैट वर्क्ड इन हिज फेवर। नलिन ने तो उसे जॉब भी ऑफर कर दी। Great. Yeah. उसे ये जॉब मेरी रेकमेंडेशन से नहीं, अपनी खुद की काबिलियत और ईमानदारी से मिली है। अश्विन होगा। माँ, पुष्पा बेन, ऐसी डिजाइन के गहने बनवाने थे। हाँ बन जाएंगे बहन, लेकिन नकली कल तक मिल जाएंगे? कल तक तो मुश्किल है भाई साहब, आप डबल मेकिंग चार्जेस ले लेना, लेकिन प्लीज जरा कल तक दे दीजिए ना, बहुत ज्यादा जरूरी है। रुकिए, नकली गहने क्यों बनवाने? सुशी के पास अपने गहने तो है, कहीं ऐसा तो नहीं कि गहने उसके पास नहीं है? बैन हो जाएगा, ये मेरा कार्ड है,
वो डिजाइन इस नंबर पे फॉरवर्ड कर दीजिए। आज से मैं कारीगर को काम पे लगा देता हूँ। कर दिए, देखना। हाँ, आ गए। ये लीजिए। थैंक यू। ये कंगन कुछ फीका पड़ गया, नहीं अजीब नहीं लग रहा? जिसका डर था वही हुआ। सुशीला, अगर बाबूजरा को पता चल गया कि वो गहने तूने मुझे दिए हैं तो? नहीं पता चलेगा पुष्पा, मैंने सोनार को अपने असली गहनों की फोटो दे दी है और बोला है बिल्कुल पैसे नकली गहने बना। कब देगा? बोला है उसे कि डबल पैसे दूंगी, आज रात तक दे देगा। फिर भी सुशीला, मैं जल्द से जल्द तुझे तेरे 40 लाख लौटाने की कोशिश करूंगी। और जहां पर गहने भेजे हैं ना मनोहर भाई के पास, उन्हें दीप्ति ने रिक्वेस्ट की है कि गहने वो संभाल कर रखे, हम वापस ले जाएंगे। मेरे कारण तू भी फंस जाती है ना इस सब में। मैं सच्ची बोलती हूँ सुशीला, मेरा बिल्कुल मन नहीं करता इस तरह की जुगाड़ करने का। मैं जानती हूँ पुष्पा, मैं जानती हूँ, पर तू टेंशन मत ले। सही वक्त आने पर मैं खुद इनको सब सच बता दूंगी। प्रार्थना कैसी है? तुझे बहुत याद करती हूँ। चिराग, सेम कहाँ हूँ? कॉलेज गया है। चल जल्दी हुआ। किधर गए सारे गहने? आपको भला मेरे गहनों का क्या काम? काम कुछ नहीं है बापूजरा को, सिर्फ देखने थे गहने। बॉक्सेस खाली पड़े हुए हैं, किधर गए गहने? पुलिस करवाने दिए। आपने कहा था ना, अरे वाह, ऐसी डिजाइन के गहने बनवाने थे। हाँ बन जाएंगे बहन, लेकिन नकली। अच्छा अच्छा अच्छा, पुलिस करवाने दिए, चलो अच्छा किया। अब आपके वो मेहमान आने वाले थे, उसका क्या हुआ? अरे देख, अच्छा याद दिलाया सुशी, वो लोग अभी नहीं आ रहे हैं, कैंसिल हो गया। तो तू अभी अपना काम कर, बराबर, लेकिन उससे पहले काढ़ा बना दे।
कुछ तो बात है जो बापोद्रा के दिमाग में बैठ नहीं रही। असली गहने पॉलिश करवाने दिए ऐसा बोली सुशी, और सेम टू सेम गहने बनवाने दिए सुंदर भाई को, लेकिन ऐसा क्यों करेगी सुशी? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो भी है बापोद्रा जानकर तो रहेगा सुशी। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.